गिनती 13वां बाब। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्के कैनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूं हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीला से एक आदमी भेजना जो उनके हां का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावन के इरशाद के मुआफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। उनके नाम ये थे, रॉबिन के कबीला से जकूर का बेटा समुआ और शमोन के कबीला से होरी का बेटा साफ्त और यहूदा के कबीला से युफना का बेटा कालिब और इश्कार के कबीला से यूसुफ का बेटा एजाल और इफ्राइम के कबीला से नून का बेटा होसिया और बिन्यामीन के कबीला से रफू का बेटा फ्लती और जुबलून के कबीला से सोदी का बेटा जदियल और यूसुफ के कबीला यानी मनस्सी के कबीला से सोसी का बेटा जदी और दान के कबीला से जमली का बेटा अमेलियल और आशर के कबीला से मिकाइल का बेटा सतूर और नफ्ताली के कबीला से दफूसी का बेटा नखजी और जद के कबीला से माकी का बेटा जियल। यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था। और नून के बेटे होसिया का नाम मूसा ने यशु रखा और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्के कैनान का हाल दरियाफ्त करें और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर हैं या कमजोर और थोड़े से हैं या बहुत और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या कलों में और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। सो वो रवाना हुए और दश्ते सयन से रुआब तक जो हमात के रास्ता में है मुल्क को खूब देखा भाला और वो जनूब की तरफ से होते हुए हिब्रून तक गए जहां अन्नाक के बेटे अखमियान और सेसी और तिलमी रहते थे और हिब्रून जुआन से जो मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था और वो वादिये इसकाल में पहुंचे। वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था और जिसे दो आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इसराइलियों ने वहां से काटा था उस जगह का नाम वादिये इसकाल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमायत के पास दश्ते फरान के कादिस में आए और उनको और सारी जमायत को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए और वाकई ही दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहां का फल है, लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं और हमने बनी अन्नाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालीकी आबाद हैं और हत्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं और समुन्दर के साहिल पर और यर्दन के किनारे किनारे केनानी बसे हुए हैं। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एक दम जाकर उस पर कब्जा करें क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी
उसके साथ गए थे, वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कादावर हैं, और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे।